हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमओएस क्लासेस। आज हम सेवेंथ क्लास मैथ एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 5 की एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन नंबर 13 को सॉल्व करेंगे। 13 क्वेश्चन में हमसे कहा गया स्टूडेंट्स, फिल इन द ब्लैंक्स। इस क्वेश्चन में हमें कुछ स्टेटमेंट्स दी गई है स्टूडेंट्स, जिनमें ब्लैंक स्पेस है और हमें उन ब्लैंक स्पेस को फिल करना है। तो फर्स्ट पार्ट में हमसे कहा गया है, इफ टू एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री देन द सम ऑफ दियर मेजर्स इज डैश। इसका मतलब यह है स्टूडेंट्स कि अगर दो एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं तो उन दो एंगल्स का सम किसके इक्वल होता है। हम जानते हैं स्टूडेंट्स कि दो एंगल्स तभी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं जब उनका सम 90 डिग्री के इक्वल होता है। तो इसका सही आंसर है 90 डिग्री। तो यहां पर आप लिखेंगे 90 डिग्री। सेकेंड पार्ट में हमें दिया गया है, इफ टू एंगल्स आर सप्लीमेंट्री देन द सम ऑफ दियर मेजर्स इज डैश। यानी कि अगर दो एंगल्स सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं तो उन दोनों एंगल्स का सम किसके इक्वल होगा। हम जानते हैं स्टूडेंट्स कि दो एंगल्स तभी सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं जब उन दो एंगल्स का सम 180 डिग्री के इक्वल होता है। तो यहां पर सही आंसर है 180 डिग्री। तो यहां पर आप लिखेंगे 180 डिग्री। थर्ड पार्ट में हमें दिया गया स्टूडेंट्स, टू एंगल्स फॉर्मिंग अ लीनियर पेयर आर। यानी कि जब दो एंगल्स लीनियर पेयर बनाते हैं तो उन्हें क्या कहा जाता है। अब याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि जो लीनियर पेयर होता है वो स्ट्रेट लाइन के ऊपर बनता है। जैसे कि यहां पर हम एक ये स्ट्रेट लाइन बनाते हैं, ये एक स्ट्रेट लाइन है। तो इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर यहां से यहां तक ये 180 डिग्री का एंगल बनता है। और जब कोई रे इस एंगल को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देती है, अब देखिए यहां पर दो एंगल्स आ गए और अगर हम इन दोनों एंगल्स को ऐड कर दें तो वापस क्या मिल जाता है, वापस 180 डिग्री मिल जाता है। यानी कि ये दो एंगल्स लीनियर पेयर बना रहे हैं तो इन दोनों का सम क्या है, 180 डिग्री। और हम जानते हैं स्टूडेंट्स कि जब दो एंगल्स का सम 180 डिग्री के इक्वल होता है तो उन्हें हम सप्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं। तो यहां पर आंसर रहेगा सप्लीमेंट्री। और यहां पर आप लिखेंगे सप्लीमेंट्री। यानी कि जब दो एंगल्स लीनियर पेयर बनाते हैं तो उन्हें हम सप्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं। फोर्थ पार्ट में हमें दिया गया स्टूडेंट्स, इफ टू एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री दे फॉर्म अ डैश। इसका मतलब यह है स्टूडेंट्स कि अगर दो एडजेसेंट एंगल्स सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं तो ये क्या बनाते हैं। अब हम इसी फिगर को दोबारा देखते हैं स्टूडेंट्स। ये दो एंगल्स एडजेसेंट एंगल्स हैं और ये दो एंगल्स सप्लीमेंट्री एंगल्स भी है। अभी हमने यहां पर चेक किया था कि ये दो एंगल्स सप्लीमेंट्री एंगल्स है, यानी कि इन दोनों का सम 180 डिग्री है। अब ध्यान से देखिए, ये दो एंगल्स को अगर हम ऐड करते हैं तो ये 180 डिग्री एंगल बनाते हैं इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर। और जब दो एंगल्स एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर मिलकर 180 डिग्री एंगल बनाते हैं तो इन्हें क्या कहते हैं, लीनियर पेयर कहते हैं। तो अब हम कह सकते हैं स्टूडेंट्स कि जब दो एडजेसेंट एंगल्स सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं, यानी कि जब दो एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 डिग्री के इक्वल होता है तो ये क्या बनाते हैं, ये लीनियर पेयर बनाते हैं। तो यहां पर आंसर रहेगा लीनियर पेयर। और यहां पर आप लिखेंगे लीनियर पेयर। फिफ्थ पार्ट में हमसे कहा गया स्टूडेंट्स, इफ टू लाइंस इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट देन द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज डैश। इसका मतलब यह है स्टूडेंट्स कि अगर दो लाइंस एक पॉइंट पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं। याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि जब दो लाइंस एक दूसरे को एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं, जैसे कि यहां पर आप देख सकते हैं कि ये एक लाइन है और यहां से ये दूसरी लाइन है, ये दोनों लाइंस एक दूसरे को इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो ये एंगल और ये एंगल ये वर्टिकली अपोजिट एंगल होंगे और आपस में इक्वल भी होंगे। ऐसे ही ये एंगल और यहां से ये एंगल, ये एंगल्स भी वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होंगे और आपस में इक्वल भी होंगे। यानी कि जब दो लाइंस एक दूसरे को एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं तो जो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होते हैं ये आपस में इक्वल होते हैं। तो यहां पर आंसर रहेगा इक्वल। और यहां पर आप लिखेंगे इक्वल। अब हम सिक्स पार्ट देखते हैं। सिक्स पार्ट में हमें दिया गया है, इफ टू लाइंस इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट। यानी कि अगर दो लाइंस एक दूसरे को एक पॉइंट पर काटती हैं, यहां पर हम इस फिगर को बनाकर देखते हैं स्टूडेंट्स। ये देखिए, ये एक लाइन है
और यहाँ पर एक दूसरी लाइन है, और आप देख सकते हैं ये दोनों लाइंस एक दूसरे को इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं। उसके बाद हमसे कहा गया है एंड इफ वन पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर एक्यूट एंगल्स, इसका मतलब यह है स्टूडेंट्स कि दो लाइंस जब एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो यहाँ पर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स बनते हैं, जैसे कि ये एंगल और ये एंगल, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है। और हमसे ये कहा गया है कि ये वाला जो पेयर है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स का, ये दोनों ही एक्यूट एंगल्स हैं, यानी कि दोनों ही एंगल्स 90 डिग्री से छोटे हैं। देन द अदर पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर डैश, इसका मतलब ये है स्टूडेंट्स कि अब जो ये दूसरा पेयर है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स का, यानी कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, हमें बताना है कि ये वाला जो पेयर है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स का, ये दोनों एंगल्स कैसे एंगल्स होंगे। याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि जब दो लाइंस एक दूसरे को किसी पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स का ऐसा पेयर जिसमें दोनों ही एंगल्स अगर एक्यूट एंगल्स हैं, तो जो दूसरा पेयर होता है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स का, उसके दोनों एंगल्स ऑब्ट्यूज एंगल्स होते हैं, यानी कि 90 डिग्री से बड़े और 180 डिग्री से छोटे। तो यहाँ पर आंसर रहेगा ऑब्ट्यूज एंगल्स, और यहाँ पर आप लिखेंगे ऑब्ट्यूज एंगल्स। हम आपको एक बार फिर ये समझा देते हैं स्टूडेंट्स कि जब दो लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है एक पॉइंट पे, तो अगर ये दो एंगल्स जो कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, अगर इन दोनों के बारे में हमें ये कहा गया है कि ये दोनों ही एंगल्स एक्यूट एंगल्स है, यानी ये दोनों ही एंगल्स 90 डिग्री से छोटे हैं, तो जो दूसरा पेयर होगा वर्टिकली अपोजिट एंगल्स का, उसके दोनों एंगल्स 90 डिग्री से बड़े होंगे और 180 डिग्री से छोटे होंगे। और हम जानते हैं कि जो एंगल्स 90 डिग्री से बड़े और 180 डिग्री से छोटे होते हैं, उन्हें हम ऑब्ट्यूज एंगल्स कहते हैं, यानी ये जो पेयर होगा वर्टिकली अपोजिट एंगल्स का, इसके दोनों एंगल्स ऑब्ट्यूज एंगल्स होंगे। आई होप स्टूडेंट्स आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।